इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। यूपी के लिए समाजवादी पार्टी की ये लिस्ट, यूपी के करहल से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, ये आधिकारिक सूची। रामपुर से आजम खान चुनाव लड़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश के लिए समाजवादी पार्टी की लिस्ट, जिसमें आधिकारिक सूची, जिसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि यूपी के करहल से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि जी न्यूज़ ने खबर आप तक पहले भी पहुंचाई थी, और रामपुर से आजम खान को टिकट दिया गया है। रामपुर से आजम खान को टिकट दिया गया है, करहल से अखिलेश यादव को मैदान में उतारा गया है। प्रत्याशियों की ये आधिकारिक लिस्ट जारी की गई है समाजवादी पार्टी द्वारा। क्या एक बार फिर से धार्मिक समीकरणों को, जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है? किन बातों का ख्याल रखा गया है? ये सारे वो सवाल जिनके जवाब देने के लिए मेरे सहयोगी आपसे बस थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। विशाल पांडे, सबसे बड़ा सवाल यही है, करहल से अखिलेश यादव, रामपुर से आजम खान, और कौन कौन से बड़े नाम, और साथ ही किस तरह से जातिगत और धार्मिक समीकरणों को साधने की कोशिश की गई? अदिति, देखिए अगर इस लिस्ट को देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा टिकट अदर बैकवर्ड को मिलता हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से दिखाई दे रहा है। खास तौर पर मध्य यूपी का यादव बेल्ट, जहां पर इससे पहले यादव प्रत्याशी ज़्यादा संख्या में समाजवादी पार्टी उतारती थी, वहां पर शाक के सैनी, लोधी, कुर्मी जैसी जातियों पर शिफ्ट यहाँ पर अखिलेश यादव का गया है। और इस लिस्ट को अगर देखें, पश्चिमी यूपी में मुरादाबाद और रामपुर में मुस्लिम प्रत्याशी ज़्यादा उतारे गए हैं, और इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव करहल विधान सभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसका ऐलान पहले भी उन्होंने कर दिया था। आजम खान जो कि जेल में बंद हैं, वो रामपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद विशंभर निषाद फतेहपुर जिले की अयाह शाह विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जो दूसरे बड़े चेहरे सपा, भाजपा छोड़कर सपा में आए थे, उनको भी यहां पर अखिलेश यादव ने टिकट दिया हुआ है। धर्म सिंह सैनी को नकुड़ से प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के जो करीबी चेहरे समाजवादी पार्टी में आए थे, उनको भी अखिलेश यादव ने यहां पर टिकट दिया है। खास तौर पर अगर हम देखें बिजनौर जिले में जो सीटें समाजवादी पार्टी ने टिकट बांटे हैं, वहां पर अगर नूरपुर की बात करें, राम अवतार सैनी को टिकट दिया है। साथ ही साथ इसमें अमरोहा जिले में कई प्रयोग करते हुए अखिलेश यादव यहां पर दिखाई पड़े हैं। अमरोहा जिले में इससे पहले समाजवादी पार्टी 3 मुसलमान प्रत्याशी लड़ाती थी, लेकिन इस बार मात्र 1 मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया है। बाकी ये भी सवाल होगा कि समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाता है माए का समीकरण, माए का फॉर्मूला, जिस लिस्ट को लेकर हम इंफॉर्मेशन अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, उस फॉर्मूले का कितना ख्याल इस लिस्ट में दिखाई देता है आपको? या जैसा कि आपने बताया कि इसमें ज्यादा नाम जो है वो ओबीसी से स्ट्रैटेजी में शिफ्ट भी माना जाए? देखिए आदिति, यादव और मुस्लिम जहां पर ज़रूरत है, मुझे लग रहा है इस लिस्ट को देखकर अखिलेश यादव ने सिर्फ वहीं पर मुस्लिम यादव प्रत्याशी दिए हुए हैं। अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें तो पहले चरण में मात्र 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने यादव कैंडिडेट्स उतारे हैं, और इसके अलावा जो सेकेंड फेज की लिस्ट अभी सामने आई है उसमें मात्र 5 सीटों पर यादव प्रत्याशी उतारे हैं, माफ कीजिएगा 6 सीटों पर, और तीसरे चरण में लगभग 10 से 12 सीटों पर यादव प्रत्याशी अखिलेश यादव ने उतारे हैं। दूसरी तरफ अगर हम मुस्लिम की बात करें, पहले चरण में लगभग 12 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट्स, और दूसरे चरण की जो 55 सीटें हैं उसमें 16 से 17 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतारे हैं। लेकिन इससे बड़ी संख्या में देखें तो इसमें जो अदर गैर यादव पिछड़ी जातियां हैं उनको सबसे ज्यादा टिकट यहां पर मिलते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें शाक्य, सैनी, कुर्मी, लोधी, कुशवाहा, साथ ही साथ निषाद, बिंद जैसी जो जातियां हैं उन्नाव में और फतेहपुर में, वहां पर समाजवादी
समाजवादी पार्टी ने इन कैंडिडेट्स को टिकट दिया है और जो सपा के बड़े चेहरे हैं उनको भी चुनावी मैदान में उतारा है। आजम खान जेल में बंद है लेकिन उनको रामपुर से टिकट दिया है। विशंभर निषाद जिनको फतेहपुर जिले की आयाश शाह सीट से टिकट दिया है। आरएस कुशवाहा जो कि बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, ओबीसी नेता हैं, उनको लखीमपुर खीरी जिले की निघासन विधानसभा सीट से टिकट दिया। और इसमें ब्राह्मण चेहरे भी काफी संख्या में समाजवादी पार्टी ने इस बार उतारे हैं। रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट से मनोज पांडे को टिकट दिया है। लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ से विनय तिवारी, महोबा से मनोज तिवारी, इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा की 3 सीटों पर सपा आरएलडी गठबंधन ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं। गाजियाबाद में 3 ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं। तो आप ये कह सकती हैं कि मुस्लिम प्लस यादव के साथ गैर यादव पिछड़ी जातियां, दलित और ब्राह्मण के गठजोड़ को बनाने वाली यह लिस्ट दिखाई दे रही है। आदिति विशाल, यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए समझना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अहम होगा कि समाजवादी पार्टी की स्ट्रैटेजी, जिस तरह से आप कह रहे कि ओबीसी को अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह छोटी छोटी पार्टियों को लेकर अखिलेश यादव ने एक अलायंस किया छोटी पार्टियों को अपने साथ लाकर, जिसे कई लोगों ने कहा कि एक तरीके का मास्टर स्ट्रोक भी है। दूसरी पार्टी बीजेपी के मुकाबले अखिलेश यादव की ये स्ट्रैटेजी कहाँ ठहरती है? देखिए आदित्य, अगर बीजेपी के टिकट की बात करें, बीजेपी ने भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है टिकट बांटने में। जो जातिगत समीकरण है उसका बहुत खास ख्याल रखा है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए, समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन से 2 ज़्यादा जाट बीजेपी ने लड़ाए हैं, क्योंकि बीजेपी को यह पता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर जाट को लेना है तो उनको प्रतिनिधित्व देना होगा। 5 गुर्जर प्रत्याशियों को बीजेपी ने चुनाव लड़ाया है। ओबीसी चेहरों पर बीजेपी का फोकस ज़्यादा रहा है। तो अगर दोनों की आप देखेंगे लिस्ट को, दोनों इस बार जो ओबीसी जातियां हैं उसी पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। एक ये सोशल इंजीनियरिंग यहां पर तैयार होती समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के तरफ से दिखाई दे रही है। अगर आप इस पूरे लिस्ट को देखेंगे, पहले दूसरे और तीसरे चरण की जो बीजेपी की आई है और समाजवादी पार्टी की आई है, कमोबेश आपको सारे जातियों का प्रतिनिधित्व दिखाई देगा समाजवादी पार्टी में, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट्स आपको दिखाई देंगे। बीजेपी में मुस्लिम कैंडिडेट्स मात्र एनडीए अपना दल की तरफ से रामपुर की 1 सीट पर दिया गया है, लेकिन अगर ओबीसी का आप कोटा देखेंगी तो दोनों ही पार्टियां ओबीसी वोट बैंक पर ज्यादा डिपेंड होती हुई दिखाई दे रही हैं। अदिति विशाल, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को और ज्यादा बेहतर तरीके से ये खबर समझ में आए। अखिलेश यादव का नाम है इस सूची में, आजम खान का नाम है इस सूची में, आजम खान के बेटे का नाम है इस सूची में, और कौन कौन से बड़े नाम हैं। और एक बार फिर से चाहेंगे, ये जो पूरा सोशल इंजीनियरिंग का खेल यूपी की सियासत में इस वक्त पोलिटिकल पार्टीज खेल रही हैं, आप उससे जुड़े हुए जो इनसाइट्स हैं, जो आप ग्राउंड पर भी महसूस कर पा रहे हैं वोटर्स के बीच, वो दर्शकों के साथ साझा करें। आदिति देखिए, अगर हम एक सहारनपुर जिले का उदाहरण दें, सहारनपुर में 6 विधानसभा सीटें हैं और वहां पर जो पूरा समीकरण समाजवादी पार्टी ने बनाया है, इस बार मात्र 2 मुस्लिम टिकट दिए हैं और बाकी सीटों पर सैनी, गुर्जर, इसके अलावा एक ठाकुर प्रत्याशी, वैश्य समाज से एक प्रत्याशी और दलित समाज से, यानी कई जिलों में, जैसे अमरोहा में मैंने आपको पहले भी बताया कि सपा ने मात्र 1 मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, बाकी जाट गुर्जर पर इस बार ज्यादा फोकस किया है। गाजियाबाद जिले में 1 भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया है। फर्स्ट फेज में मात्र 2 सीटों पर यादव प्रत्याशी अखिलेश यादव ने उतारे हैं। सेकंड फेज में मात्र 6 सीटों पर यादव प्रत्याशी उतारे हैं और यादवों के अलावा जो ओबीसी की दूसरी जातियां हैं उनको ज्यादा प्रतिनिधित्व यहां पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी रणनीतिक बदलाव समाजवादी पार्टी की लिस्ट में पहली बार दिखाई दे रही है। अगर हम आगरा की बात कर लें, वहां पर 3 ब्राह्मण सपा आरएलडी गठबंधन ने उतारे हैं। गाजियाबाद में 3 ब्राह्मण सपा आरएलडी गठबंधन ने उतारे हैं। और इसके अलावा जब हम मध्य यूपी की तरफ जाते हैं, जो कि यादव बेल्ट कहलाता है, फिरोजाबाद से लेकर कानपुर देहात कन्नौज तक, वहां पर भी इस बार कासगंज जैसे जिले में जहां पर कई यादव चुनाव लड़ते थे, वहां पर अखिलेश यादव लोधी और शाह के वोट बैंक पर डिपेंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप इस लड़ाई को इस तरह से समझ सकती हैं कि जिसके पास अदर बैकवर्ड और ब्राह्मण वोट जाएगा उसको ऐसा लगता है कि वो मजबूत हो जाएगा। और बीजेपी ने इस वक्त लड़ाई भी हो रही है यूपी की सियासत में। विशाल पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया इन अपडेट्स के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।